राजस्थान के बारा छिपाब डॉट भारतीय किसान संघ छिपाब डॉट के मीडिया प्रभारी उपेंद्र धाकड़ ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया है कि वन विहार कार्यक्रम में तहसील क्षेत्र से लगभग सभी ग्राम पंचायतों से किसान और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चित्र में लगातार कई महीनों से तहसील कार्य का ऑनलाइन कार्य चल रहा है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकरलाल जी नागर विशिष्ट अतिथि प्रदेश कोषाध्यक्ष वह अफीम संघर्ष समिति चित्तौड़ प्रांत के सदस्य शिवराज पुरी, बूंदी जिला उपाध्यक्ष भाई साहब तोलाराम सुमन, जिला विद्युत विभाग भाई साहब बालूराम जी मीणा, गो प्रमुख भाई साहब राम प्रसाद जी मीणा, जिला सदस्य प्रहलाद नागर की अध्यक्षता, तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश आचोलिया व संचालक तहसील मंत्री सुरेश नागर ने किया। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष अफीम संघर्ष समिति चित्तौड़ प्रांत के सदस्य शिवराज पुरी ने अपने संबोधन में अफीम नीति को लेकर विस्तार से किसानों से चर्चा की और उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के 1990 से जिस किसी भी कारण से किसान का लाइसेंस निरस्त हो गए हैं उन्हें फिर से केंद्र सरकार सभी लाइसेंसों को जारी करे, नहीं तो संघ योजनाबद्ध तरीके से आगे रणनीति तैयार कर आंदोलन की राह पर होगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। हर तरफ किसान ही किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार ने मुआवजा राशि रोक रखी है, उसे तुरंत प्रभाव से किसानों के खाते में डलवाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।